अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मल्टीपल H1 फाइंड कर सकते हैं। तो गूगल ये रिकमेंड करता है कि और SEOs भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप एक H1 यूज़ करें ताकि जो सर्च इंजन के वर्ड्स वगैरह हैं वो पज़ल ना हो, क्योंकि उन्होंने H1 से ही आपका प्राइमरी कीवर्ड सेलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आपकी आपके आर्टिकल वगैरह को उन्होंने रैंक करना होता है। तो अपने डोमेन का नेम कॉपी करें, इसके लिए आपको स्क्रीमिंग फ्रो की ज़रूरत पड़ेगी। आपने यहाँ पे जाना है और स्टार्ट कर देना है। अब जब तक सारे पेज क्रॉल नहीं होते तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उस पर 2-3 मिनट लग सकते हैं। अच्छा, क्रॉल अब कंप्लीट हो गया है। अब ये जो है आपने इधर नीचे जाना है, यहाँ पे H1 होगा और यहाँ से आपने मल्टीपल सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये वो आर्टिकल हैं जिनके अंदर मल्टीपल H1 है, तो हम इन्हें वन बाय वन ओपन करेंगे। अब यहाँ पे एडिट पोस्ट, यहाँ पे अब H1 देखें कितने ज़्यादा यूज़ हुए हैं। अब इन सब को हमने H2 में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मेन हेडिंग जो है ये हमारी H1 बन जाती है। अच्छा, तो एक आधा ज़्यादा हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर ही एडिट कर लें, लेकिन अगर इतने ज़्यादा हो तो फिर आप इन्हें कॉपी करें और किसी टेक्स्ट एडिटर में जाएँ और इधर इनको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर आपने कंट्रोल प्लस H को दबाना है, यहाँ पर फाइंड H1 और रिप्लेस विद H2, रिप्लेस ऑल। उसके बाद दोबारा और रिप्लेस ऑल। अब यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसे सेव कर दें। इस तरह करके ये सेम सबके ऊपर आपने करना है। यहाँ पे इसे पोस्ट करें, इसे फिर इस तरह, इसे भी रिप्लेस ऑल पेस्ट करें, अपडेट करें, फिर इसे कॉपी करें, फिर पेस्ट, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल, कॉपी पेस्ट, फिर इस तरह करके पेस्ट, फिर इसे भी कॉपी, रिप्लेस ऑल, फिर उसके बाद इसे भी कॉपी, रिप्लेस ऑल, सबको अब अपडेट कर दें। अपडेट होने के बाद हम करेंगे क्लियर केस। अब दोबारा इसमें टेस्ट करेंगे। तो ये देखें, क्रॉल कंप्लीट हो गया और हमने सारे H1 फिक्स कर लिए हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप ज़रूर फिक्स करें। अल्लाह हाफिज़।